भारत माता की वंदे। भैया को सामने करिए। अरे बड़ा प्लीज आप लोग रश मत कीजिए, उनको आने दीजिए प्लीज। सामने करिए भैया को। भैया आइए, भैया आइए, भैया प्लीज आइए। ध्यान रखो थोड़ा। वंदे 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 माता की जय। भारत माता की जय। वंदे भारत वंदे भारत वंदे भारत। अभी आदरणीय अन्ना जी हमारे बीच में है। अमन भैया तो एक अपना विचार के सामने आए। अन्ना जी बहुत एक लंबा इंतजार छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, हमारे देश के दूसरे गांधी हमारे बीच में आए और छत्तीसगढ़ की जो पीड़ा इस बात से बहुत पीड़ित है। सिविल लाइन जो है आप देखेंगे ना, यहाँ पे एक निर्माणाधीन जो छज्जा है वो ढह जाता है, मजदूर उस पर दब जाते हैं। इसके ऊपर जो है विपक्षी पार्टी है, जो दल है, सामाजिक कार्यकर्ता FIR करवाना चाहते हैं, परंतु यहाँ की पुलिस उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं करती। मामला फिर भ्रष्टाचार के जंगलों में गुम हो जाता है। अन्ना मैं बताऊंगा कि विकास की जो चार बिंदु और चार बिंदु और जी बिंदु बिंदु नहीं, मैं लिख के लाया हूँ ना। छत्तीसगढ़ जो है वहाँ अन्ना कोड़वा कांड हुआ है, वहाँ पे नरवासी कांड, दशरथी कांड। अन्ना मैं आपको ये सब चीजें संज्ञान में इसलिए ला रहा हूँ, सिर्फ चार बिंदु है। शांति बनाएंगे, चाहते लोग शांति बनाएंगे। करप्शन को मिटाना है तो आपको बड़ा संगठन करना पड़ेगा, तब मिटेगा। जब तक संगठन नहीं होगा वहां 10-25-50 लोग से करप्शन नहीं होगा बंद। आज मैं देश में जो घूम रहा हूँ और देश के लिए 8 कानून बनाए। क्या है मेरे पास? सिर्फ सोने का एक बिस्तर है और खाने का एक प्लेट है बस। मेरे जीवन में मेरा बैंक का अकाउंट कहाँ रहता है मुझे पता नहीं। यकीन होगा आपको, अगर जो लोग आए होंगे उन्हें देखा होगा, मैं मंदिर में रहता हूँ, गांव में मेरा घर है, खेती बाड़ी है। 45 साल हो गए घर में जाकर, फिर से घर में कभी गया नहीं। मेरे भाई के बच्चों का नाम क्या है मुझे पता नहीं। मेरे भाई के बच्चों का नाम क्या है पता नहीं। मुझे करोड़ रुपए का अवार्ड मिले, करोड़ रुपए के अवार्ड, उसका भी मैं ट्रस्ट कर लिया।
12-13 लाख रुपए इंटरेस्ट आता है। दुखी पीड़ित लोग हैं, उनके सेवा में लगा देता हूँ, कुछ रखता नहीं। जीवन में सिर्फ सोने का एक बिस्तर है और खाने के प्लेट है। किस लिए कहने जा रहा हूँ? सिर्फ सोने का एक बिस्तर और खाने का प्लेट है, लेकिन मैं अनुभव कर रहा हूँ मेरे जीवन में, अरे लखपति करोड़पति को भी जो आनंद नहीं मिलता होगा वो मैं अनुभव करता हूँ। आनंद और ये सब लोग जो सब दौड़ रहे ना सवेरे 4 बजे उठते हैं, रात को 10 बजे तक भाग दौड़ में लगे हैं, और थोड़ा स्मशान भूमि में जाने तक तो कोई भी रुक नहीं रहा। दौड़ रहा किसी का दौड़ता है आनंद के लिए, आनंद के पीछे पड़ा है, दौड़ रहा है आनंद के लिए। और बहुत लोगों की हालत ऐसी है कि एयर कंडीशन में रहते हुए भी रात को नींद नहीं आती बोल के नींद की गोली लेकर सो रहे हैं एयर कंडीशन में। कहाँ आनंद? अरे सही आनंद पाना है तो दूसरों को पहला सुखी करो, तब आनंद मिलेगा। हम आनंद खोज रहे हैं गाड़ी में, माड़ी में, धन दौलत में, वहां मिलेगा लेकिन सही नहीं। मोटरसाइकिल लिया होंडा, उसको माला पहनाता है, 2-3 चक्कर लगाकर गांव वालों को घुमाकर दिखाता है होंडा लाया, आनंद मिलता है। रास्ते में पंचर बन गई, पेड़ के नीचे सर में हाथ देकर बैठ जाता है, उसी के पीछे दुख है। जहाँ आनंद खोज रहे हैं वहां सही आनंद नहीं, सारी आनंद नहीं, अखंड आनंद नहीं, खंडित है। अखंड आनंद आपको मिलेगा वो तब मिलेगा जब हम दूसरों को सुखी करेंगे। मैं अनुभव कर रहा हूँ मेरे जीवन में, आज करप्शन में मैं इतना सालों से लड़ रहा हूँ, क्यों? मेरी उम्र हो गई 80 ईयर, 80 साल की उम्र हो गई, 80 साल की उम्र, इतना भी दाग नहीं जीवन में, इतना भी बैचलर होते हुए, ये आसान है? बैचलर होते हुए भी 80 साल की उम्र में इतना भी दाग नहीं है, तब ये करप्शन का खत्म करने का काम आगे बढ़ता है। त्याग करना होगा, त्याग। करप्शन के साथ फाइट करने वाले लोगों में आचार शुद्ध होना, आचार, अपने आचार को शुद्ध होना, विचार को शुद्ध रखना, विचार, आचार शुद्ध रखना, विचार शुद्ध रखना, जीवन निष्कलंक होना, दाग नहीं होना। अगर दाग लग गया तो एयर कंडीशन में भी नींद की गोली लेकर सोना पड़ेगा दाग लगने से, क्योंकि वो दाग है ना, दूसरे लोगों को पता नहीं होता क्या क्या दाग लगे। जिनके जीवन में दाग लगते हैं उनको पता होता है क्या क्या दाग लगे, और वो दाग रात को नींद नहीं आने देते, नींद की गोली लेकर सोना पड़ता है। इसलिए बेदाग जीवन, आचार शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में थोड़ा त्याग होना, त्याग। अरे खेती में ज्वार बाजरा मक्का दाना से भरा हुआ भुट्टा दिखाई देता ना खेती में, ये दाना से भरा हुआ भुट्टा नजर आ रहा है खेती में, लेकिन कब नजर आ रहा है? पहले एक दाना ने त्याग किया, एक दाना अपने आप को जमीन में मिटा लिया, इसलिए भुट्टा नजर आ गया। एक दाना जमीन में नहीं गया तो भुट्टे कैसे नजर? उस दाने की जरूरत है इस देश के लिए। देखो मेरी उम्र थी 25 साल की, यंग था मैं, सोचते बैठा था अरे क्या चक्कर है दुनिया का, जन्म में आता कुछ लेकर आता नहीं, जाता कुछ लेकर जाता नहीं, और उम्र भर दौड़ रहा है मेरा, हाथ में कुछ नहीं। कहीं लोग तो मेरा कहकर भी नहीं रुकते, मेरा वो मेरा, लेकिन तेरा वो भी मेरा, ऐसे
चले। जीवन के बारे में मुझे सोच दी, जीवन के बारे में कि क्यों जीते लोग, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, इसलिए सोचा आत्महत्या करना। एक स्वामी विवेकानंद की किताब हाथ मारी दिल्ली स्टेशन पर बुक स्टॉल में, स्वामी विवेकानंद जीवन समझ में आ गया। क्या समझ में आया? भगवान ने हर व्यक्ति को जन्म दिया, सेवा करने के लिए दिया। अभी मुझे बता रहे थे इधर ये संस्था में एक अग्रवाल, उनको तो सेवा अच्छा करते, सेवा के लिए जीवन है। अगर सेवा से जीवन में सेवा बाजू में चला जाए तो जीवन के लिए अर्थ नहीं रहेगा, सही अर्थ नहीं रहेगा। मंदिर होता ना, मंदिर बड़ा सुंदर मंदिर बना है, 45 साल में 6 बार लोकसभा में बिल रखे गए, मुरारजी भाई देसाई के टाइम से लेकर अभी तक 6 बार बिल रखे, पास नहीं हुआ। 2011 में 20 लोकपाल के लिए लड़ाई हो गई, आप लोगों ने सब खड़े हो गए और सरकार को कानून बनाना पड़ा। सरकार ने कानून बनाया, अभी उसका अमल नहीं हो रहा है, इसलिए फिर से सोच रहा। इसलिए अन्ना हजारे के क्या बाल बच्चे नहीं, कोई रोते नहीं, अन्ना हजारे को कोई लेना नहीं है, एक फकीर आदमी है, सन्यासी बनकर मंदिर में बैठा है। मैंने व्रत लिया, जीवन में व्रत लिया, 25 साल की उम्र में व्रत लिया, जब तक जीऊंगा समाज और देश की सेवा करूंगा, जिस दिन मैं मरूंगा समाज और देश की सेवा करते करते मरूंगा, ये व्रत लिया मैंने। इसलिए लड़ता हूं, क्या किसी से मांगना है, क्या किसी से लेना है, कुछ नहीं। इस देश के आजादी के लिए इतने बड़ी कुर्बानी हुई है, अरे 1857 से 1947 लाखों लोगों ने कुर्बानी दी ना, लाखों लोगों ने कुर्बानी दी तभी आजादी मिली, तो वह क्या कुर्बानी व्यर्थ हो गई? इसलिए मैं हमेशा सोचता हूं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लाखों लोगों ने कुर्बानी की, वो व्यर्थ नहीं जाने देंगे, भले हमें बलिदान करना पड़े देंगे, फिर से एक बार बलिदान। धन्यवाद कठोर बाबू जी, लोकनाथ पांडे जी, आपका Yeah.